मुंबई में 12 जुलाई को शुक्रवार के दिन शाही शादी संपन्न हो गई। वो शादी जिसके चर्चे महीनों से चल रहे थे, न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया के हर एक कोने में। इस शाही शादी में विश्व की नामचीन हस्तियों ने चार चांद लगाए। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी परिवार के साथ अनंत और राधिका अंबानी को आशीर्वाद देने पहुंचे। शादी समारोह में अखिलेश यादव के साथ पत्नी डिंपल यादव, दोनों बेटियां और बेटे नजर आए। यूपी के पूर्व सीएम ने खुद इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपने आधिकारिक हैंडल पर शेयर की, जिसमें उन्होंने लिखा, विवाह की बधाई और सुखद जीवन की शुभकामनाएं। इस फोटो में अखिलेश यादव के साथ पत्नी डिंपल यादव और उनकी बेटी नजर आ रही हैं। मुकेश अंबानी और दूल्हे राजा अनंत अंबानी भी अखिलेश डिंपल से बातचीत के दौरान मुस्कुरा रहे हैं। जैसे ही सपा सांसद ने ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल की, लोग उन्हें ट्रोल करने लगे। एक ने लिखा, मालिक सब देख रहे हैं, छुप छुप के ध्यान रखना। तो दूसरे यूजर ने लिखा, लाल टोपी सिर्फ चुनाव में जनता को दिखाने के लिए है क्या, लगाया नहीं। वहीं एक शख्स ने तो सपा प्रमुख से पूछ लिया, अखिलेश यादव जी ये दोहरा चरित्र क्यों? चुनाव के समय तो आप कहते थे कि अडानी अंबानी जनता का पैसा लूट रहे हैं और आज उसी अडानी की गोद में जाकर बैठ गए। दरअसल इस लोकसभा चुनाव में राहुल और अखिलेश की जोड़ी ने अडानी अंबानी का नाम लेकर मोदी सरकार का जमकर विरोध किया था। अडानी अंबानी पर सवाल भी उठाए थे। इतना ही नहीं, संसद में यही मुद्दा उन्होंने उठाया था। ऐसे में अखिलेश के अनंत अंबानी की शादी में पहुंचने से सोशल मीडिया पर यूजर मजे लेने लगे। लोग तरह तरह के कमेंट कर निशाना साध रहे हैं।